दशरथ का पुत्र राम हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। ओ प्रभु, आप हमारे दर पे पधारे, क्षमा चाहती हूँ, आपको पहचान नहीं पाई। लेकिन मेरा हृदय कह रहा था कि बहुत जल्द आप आओगे मेरी कुटिया में। हे देवी, आप तो धन्य हैं, आपने कुटिया का कितना अच्छा श्रृंगार कर रखा है। ये तो मैं रोजाना करती हूँ, क्योंकि मेरा मन कहता है कि मेरे प्रभु एक ना दिन अवश्य आएंगे। और देखो, आज मेरे प्रभु मेरे दर पर आ ही गए। देवी, हम धन्य हुए। देवी, हम विश्राम करना चाहते हैं। अवश्य प्रभु, अवश्य। ये तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि इस सबरी की कुटिया में मेरे प्रभु राम रहने के लिए आएंगे। हाँ प्रभु, आओ, आप आराम से यहाँ रहकर विश्राम कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। ठीक है देवी। प्रभु, इतना लंबा सफर से आए हो, आपको तो भूख लगी होगी ना? हाँ देवी, भूख हमें लगी है। ये सबरी के पास जाता तो खिलाने को कुछ नहीं है प्रभु, पर अपने मन से मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। आप तब तक आसन ग्रहण करो, मैं खाने की व्यवस्था करती हूँ।
प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे मिलनी को भारी आस है मिलनी को भारी आस है और मन में ये विश्वास है राम मेरे घर आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे राम मेरे घर आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे मिलनी को भारी आस है मिलनी को भारी आस है और मन में ये विश्वास है राम मेरे घर आएंगे आएंगे प्रभु बस मुझसे जितना हो पड़ा उतना तो मैंने कर दिया इससे ज्यादा तो ये सबरी कुछ कर नहीं सकती हे देवी ये बेर सच में ही बहुत स्वादिष्ट हैं हम आपका शुक्रिया कैसे करें इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं पर प्रभु आप अयोध्या से इतनी दूर ऐसे वस्त्रों में क्यों घूम रहे हो हे देवी मेरी प्राण प्रिय सीते को कोई हरण करके ले गया हम उसी की खोज में वन मन भटक रहे हैं हे भगवान ये क्या हो गया देवी आपने सीता को कहीं पे देखा है क्या आप कुछ बता सकती है क्या प्रभु मैंने माँ सीता को तो नहीं देखा पर यहाँ से थोड़ी दूर पर ऋषि मुख नामक एक पर्वत है उस पे सुग्रीव नाम का एक वानर रहता है वो आपको जरूर बताएगा सीता मैया का पता वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी ठीक है देवी हम उस ओर चलते हैं हाँ जैसे आपकी इच्छा प्रभु